नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने नौवीं एकादशी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनी। आज हम दसवीं एकादशी कामदा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महत्व कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतएव तू कच्चा मांस मदिरा और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि देखकर बोले कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा और राजा का श्राप भी अवश्य में भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी कामदा एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का श्रवण कर सकें और अपने दुखों से मुक्ति पा सकें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11वीं एकादशी बरूथनी एकादशी व्रत कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।